अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के न्यू लेक्चर के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ डिटेल से डिस्कस की थी कि व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स फॉर कंपनीज, किस तरह एम्प्लॉयज की कमिटमेंट बेहतर होती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसके अलावा ओवरऑल आप जब रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो इफ इट्स दैट मच सिंपल, व्हाई आर कंपनीज नॉट अडॉप्ट एथिकल प्रैक्टिसेस? अगर ये सारा कुछ इतना ही फायदे वाला है और इतना ही बेहतर है, तो फिर दुनिया के सारे बिजनेसेस इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं? तो आज का लेक्चर हमारा इसी सीरीज की कंटिन्यूएशन होगा कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन बिजनेसेस, आखिर वो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं क्या, कहाँ पे जाके लोग अनएथिक्स पे चले जाते हैं या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं अपने और अपने बिजनेस के लिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस एथिक्स का आपस में क्या लिंक है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? द यूज ऑफ एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, इंटरनेट, वायरलेस कम्युनिकेशन, डिजिटलाइजेशन एंड न्यूमरस अदर टेक्नोलॉजीज दैट हैव इनेबल्ड अस टू कैप्चर, मैनिपुलेट एंड मूव इंफॉर्मेशन इन न्यू एंड क्रिएटिव वेज। अब देखिए, आईटी ने हमें बहुत ज्यादा एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बना दिया है। ओवरऑल हम अपने एम्प्लॉयज के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में बहुत ज्यादा वेल अवेयर हो गए हैं। लेकिन यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने साथ एक थ्रेट भी रखती है कि हमने किस हद तक लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कहां तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एथिकल है, और उसके बाद कौन सी लिमिट्स हैं जहां से अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। हमारी सारी की सारी सोशल मीडिया जो हिस्ट्री होती है, वहां से हमारे बारे में ट्रेंड्स एनालाइज किए जाते हैं कि ये शख्स क्या है, इसकी एज ग्रुप क्या है, ये कहां पे पढ़ रहा है, ओवरऑल इसकी सोशली क्या बैकग्राउंड है, और सबसे अहम चीज इसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है। तो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को फर्दर आपको एड्स दिखाने के लिए यूज किया जाता है। वहां से बात चली जाती है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में कि किस हद तक हम किसी भी शख्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। ये बात हम एक जनरल जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके बारे में कर रहे हैं, और यही बात हमारी अप्लाई होती है हमारे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर भी। से अगर एक कंपनी एम्प्लॉयज की यूनिफॉर्म के अंदर एक ऐसी माइक्रोचिप लगा देती है जिसके जरिए उनकी हर मिनट की मूवमेंट रिकॉर्ड हो रही है सिस्टम में, वो जो भी बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, वो जो भी फिजिकल मूवमेंट करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही है। अब डेली 8 घंटे एम्प्लॉयज को इस परेशानी के साथ गुजारने हैं कि मैंने कोई एक भी ऐसी बात नहीं करनी जो कोई मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये 8 घंटे की जो मुसलसल स्ट्रेस है ये उसको परेशान कर रही है। तो क्या ये एथिकल है? आपने तो सिर्फ उससे परफॉर्मेंस लेनी थी, प्रोडक्टिविटी लेनी थी, आपने एक एक मिनट की उसकी जासूसी तो नहीं करनी थी। तो क्या ये एथिकल है? और क्या अगर ये अनएथिकल है तो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन भी अनएथिकल हैं, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनका हाई सेंसिटिव काम है, जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या वो कर सकते हैं? सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं और जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं कर सकती, या इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स के आईटी के जरिए कहाँ पे हम लोगों को अनएथिकली हैंडल कर रहे होते हैं। ये एक बहुत अहम और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है आज की दुनिया में। हमने देखा कि रिसेंटली पिछले कुछ सालों में अमेरिकन कांग्रेस ने, कांग्रेस जो उनकी वहाँ पे नेशनल असेंबली है, जैसे हमारी कौमी असेंबली है वो अमेरिकन कांग्रेस है, उन्होंने फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, उनको कॉल किया, उनको एथिकल प्रैक्टिसेस पे उनसे क्वेश्चन आंसर किए गए, और उनसे बड़े टफ क्वेश्चन किए गए कि आप लोगों की लोकेशन क्यों ट्रैक करते हैं, कि लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों की हिस्ट्री को किस हद तक चेक करते हैं, आप लोगों के डेटा को किस हद तक सेल करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। इसके अलावा
जो गूगल के सॉरी सीईओ थे उनको कॉल किया गया, उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए कि आप लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को फर्दर आप लोगों को दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को सेल करते हैं ताकि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के मुताबिक बना सकें। तो आईटी ने बहुत बड़े जो हमारे एथिक्स हैं उनको, एथिकल फ्लॉज को सामने लाया है कि आप किस हद तक लोगों का आईटी के जरिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और किस हद तक उनका डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको पर्सनल फ्रीडम भी दी जानी चाहिए। तो कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी वजह से एथिकल इश्यूज सामने आ रहे हैं? द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस न्यू एथिकल इश्यूज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजेस न्यू एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू रिस्क, प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखिए, प्राइवेसी बहुत अहम कंसर्न है। मैं एक शख्स को ईमेल लिख रहा हूँ कि जनाब मुझे लैपटॉप खरीदना है तो आप बताएं कि कौन सा लैपटॉप अच्छा है, और मैं चाहता हूं कि ये बात हम दोनों के दरमियान रहे, कोई भी तीसरा शख्स इसको इससे फायदा ना हासिल करे, इट्स माई राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप दो तीन लोगों को ईमेल्स करते हैं कि जनाब मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कौन सा लैपटॉप अच्छा है आप रिकमेंड करें, तो सडनली आपकी ईमेल बॉक्स में, मेल बॉक्स में आपको एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं लैपटॉप कंपनीज के। क्यों? क्योंकि जो डेटा हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो ईमेल्स हम सेंड कर रहे होते हैं, उनके अंदर से हमारे बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है और वो इन्फॉर्मेशन आगे फिर कॉरपोरेशन को सेल की जाती है फौरी तौर पे, और उसके मुताबिक हमारे लिए एड्स शो कराए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स हमें दिखाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि ये शख्स लैपटॉप खरीदने वाला है, तो अगर हम इसको अपने एड्स दिखाएं तो हो सकता है ये हमारी ब्रांड का लैपटॉप खरीदे। अब ये एक, इस पर बहुत बड़ी बहस है कि ये क्या एक एथिकल प्रैक्टिस है या ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। इसके बदले में कंपनीज हमें फ्री सर्विसेज दे रही होती है। हम देखते हैं कि फेसबुक हमें एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो टोटली फ्री है। रीज़न क्या है? हमारा डाटा ट्रैक किया जाता है और उस डाटा के बुनियाद पे हमें एडवर्टाइजमेंट शो कराई जाती है और वहाँ से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। हमारे ईमेल सारी सर्विसेज फ्री होती हैं जो बेसिक हैं। तो रीज़न क्या है वो बेसिक सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करने की? ताकि वहाँ से हमारा डाटा कलेक्ट हो और उस डेटा की बुनियाद पर हमें एड्स शो कराए जाए। नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रेज न्यू एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू रिस्क एंड टू द स्प्रेड ऑफ डेंजरस प्रोडक्ट्स। अब नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। इनकी वजह से भी नए एथिकल इश्यूज सामने आए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अ न्यू फील्ड दैट एनकंपासेस द डेवलपमेंट ऑफ टिनी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स। बहुत छोटे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, ओनली नैनोमीटर्स, मतलब एक मीटर के आप से एक मीटर के अगर 10 लाख हिस्से करें तो उस हिस्से के बराबर एक चिप बनेगी और उसको एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। उस चिप के जरिए आप उसकी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, आप उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को चेंज कर सकते हैं। तो क्या ये एथिकल है? क्या एक इंसान को आज़ादाना सोचने देना चाहिए या उसकी सोच को डिस्टर्ब करना चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल इशू है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स, हमारे जो जीन्स आ रहे हैं वो ओवरऑल हमें बताते हैं कि व्हाट वी आर, व्हाट वी लाइक एंड व्हाट वी डिसलाइक। अ लार्ज वैरायटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट अलाउज चेंज इन द जीन्स ऑफ द सेल्स ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जा चुकी हैं। आज से 10 साल पहले की जो सब्जियां थी, जो जिनको हम देसी सब्जियां कहते थे, आज वो हमें नहीं मिल रही। रीज़न क्या है? उनके बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ज़्यादा प्रोडक्शन ली जानी शुरू की जा चुकी है, टनल फार्मिंग के जरिए हम ज़्यादा पैदावार। लेकिन क्या वो नेचुरल है? क्या उसके कुछ नुकसान तो नहीं है? अगर नुकसान हैं तो क्या उस चीज़ को हमें अलाउ करना चाहिए? ऐसी सब्जियाँ और ऐसे फ्रूट्स मार्केट में आने देने चाहिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हों? अगर उनका सेहत पे कोई नुकसान हो तो फिर उन पे ज़रूर कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होने चाहिए। तो क्या ये एथिकल प्रैक्टिस है या ये अनएथिकल प्रैक्टिस है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से और बाकी टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट की वजह से ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने आया हुआ। तो ये तो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात है। अगर एनिमल्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाए और उससे भी एक कदम आगे जाके अगर इंसानों की जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी जाए, उनके जीन्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाएं जिससे हम ओवरऑल एक ही जैसे लोग बना सकें,
तो क्या ये एथिकल होगा? ऑफ कोर्स नो, ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर होगा ह्यूमन रेस के साथ, नस्ल इंसानी के साथ। लेकिन इस तरह के तजुर्बात कुछ बेसिक लेवल्स पे किए जा रहे हैं कि इंसानों की जीन्स के अंदर जाके चीज़ें को चेंज किया जाए ताकि बीमारियों के खिलाफ उनकी कुव्वत मुदाफियत बेहतर हो और वो एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, तो इस तरह की चीज़ें, ये ओवरऑल अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड वाइड प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम ऑफ नेशंस हैव बिकम कनेक्टेड, फैसिलिटेटिंग बिटवीन देम द फ्लो ऑफ गुड्स, मनी, कल्चर, पीपल। अब आप देखिए, पाकिस्तान में एक से जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, एक छोटी सी इंडस्ट्री थी जो जूते बनाती थी, आम हाउस होल्ड चप्पलें। अचानक से चाइनीज इंडस्ट्री को हमने पाकिस्तान में खुली छूट दी। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, वो वही प्रोडक्ट्स बहुत सस्ती बना सकती थी क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता है, लेबर कॉस्ट बेहतर है, बाकी चीज़ें बेहतर थी। अब हमारी प्रोडक्ट अगर मार्केट में 300 रुपए पेयर के हिसाब से आ रही थी तो वो 120 रुपए पेयर के हिसाब से मार्केट में अपनी प्रोडक्ट ले आए, तो उससे क्या हुआ, हमारी लोकल प्रोडक्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए। यहाँ से एक बहस शुरू होती है कि क्या ये एथिकल प्रैक्टिस है? इखलाकी तौर पे बेहतर है कि आप एक छोटे से मुल्क का मुवाजना, एक छोटे से मुल्क की छोटी सी इंडस्ट्री का मुवाजना एक बहुत बड़े मुल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्री से करवाएं? वो तो आपस में कभी कम्पीट नहीं कर सकेंगे, छोटी इंडस्ट्री हार जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म होगी तो क्या होगा, लोग जॉबलेस होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, अमीर अमीर तर होता जाएगा, गरीब गरीब तरीन होता जाएगा। तो क्या ये एथिकल है? टू मी, इन माई ओपिनियन, इट्स नॉट एथिकल। लेकिन अगर हम दूसरे साइड से देखें, कस्टमर पर्सपेक्टिव से, तो कस्टमर पहले जो चीज़ 300 रुपए की खरीद रहा था, आज वही चीज़ उसको 120 रुपए की मिल रही है, उसको तो इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि किसने बनाई है, कहाँ से आई है। वो तो कहता है कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ, कीमतें कम हो रही हैं, महंगाई कम हो रही है और इससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। अब उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है। तो ग्लोबलाइजेशन इज टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्रिवन बाय मल्टीनेशनल्स। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव करती हैं। इट्स बेनिफिशियल इन दैट इट हैज ब्रॉट ग्रेटर बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, इंक्लूडिंग जॉब, स्किल्स, इनकम, टेक्नोलॉजी, अ डिक्रीज इन पॉवर्टी, स्पेशलाइजेशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ओवरऑल इसके बहुत ज्यादा फवायद तो हैं, ऑफ कोर्स नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, जॉब्स भी नई पैदा होती हैं, पॉवर्टी कम होती है, यस, बट इट्स ब्लेम फॉर मैनी इल्स इंक्लूडिंग राइजिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे ज़्यादा होगी? छोटी इंडस्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो जाएंगी, बड़ी इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करेंगी, तो गरीब गरीब तरीन हो जाएगा बेचारा, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। कल्चरल लॉसेस, जब किसी मुल्क की प्रोडक्ट्स आती हैं तो उन प्रोडक्ट्स के साथ उस मुल्क का कल्चर भी आता है। रेस टू द बॉटम, इंट्रोडक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज इन टू डिवेल्पिंग कंट्रीज, जो वो टेक्नोलॉजीज जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती उनको भी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ठोंसा जाता है कि आपको इन्हें हासिल करना है और इनको स्टेटस सिंबल बना दिया जाता है। तो ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन के कुछ फवायद तो हैं, आप दुनिया से कट कर अलग थलग एक मुल्क के तौर पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ नेगेटिव और कुछ डार्क साइड्स भी होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।